एकल अभियान के ट्रस्टी श्री मांगीलाल जैन जी को 26 फरवरी 2019 को गांधी शांति पुरस्कार 2017 से राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2017 दिया जा रहा है एकल अभियान ट्रस्ट को। इसकी कार्य प्रणाली गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना पर आधारित है। ट्रस्ट के द्वारा ग्राम स्वराज के लक्ष्य साक्षरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण उद्यमशीलता, सांस्कृतिक मूल्यों और सशक्तिकरण की प्राप्ति के लिए 5 आयामी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण तथा जनजातीय बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता जगाने, प्राकृतिक कृषि तथा कौशल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्त्री तथा सामाजिक समानता के मुद्दों पर जागरूक बनाने तथा गांधीवादी सिद्धांतों को साकार बनाने में बड़ी संख्या में गाँवों में एकल अभियान ट्रस्ट के बहुविध योगदान को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मांगीलाल जैन ट्रस्टी एकल अभियान ट्रस्ट। ये एकल अभियान के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। एकल अभियान योजना की शुरुआत 1989 में 60 विद्यालय से झारखंड के गुमला अंचल से हुई थी। एकल अभियान भारत वर्ष के ग्रामीण, वनवासी, गिरिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में विशेष भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, आरोग्य, ग्राम विकास, स्वाभिमान, जागरण एवं स्वावलंबन योजना भी चलाई जा रही है। आज पूरे भारतवर्ष में 83,249 एकल विद्यालय चल रहे हैं और 1,00,000 एकल विद्यालय का लक्ष्य यह अभियान शीघ्र ही प्राप्त करेगा। वर्तमान में लगभग 22,59,000 बच्चे एकल अभियान के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।